नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के मानसरोवर शिप्रापत में आयोजित होने वाली अनुसूचित जाति जनजाति की महापंचायत में शामिल होने के करीब आधा दर्जन से अधिक बसों में सवार होकर जयपुर के लिए सैकड़ों लोग रवाना हुए। महापंचायत को लेकर युवा वर्ग में खासा जोश दिखा। कटुमर में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं संपूर्ण विश्व को जियो और जीने दो व अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले 24वें तीर्थकर श्री भगवान महावीर स्वामी की जयंती 3 अप्रैल सोमवार को कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर और पारसनाथ मंदिर में धार्मिक भाव से मनाई जाएगी, जिसमें जैन समाज द्वारा कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फतेहपुर बस स्टैंड स्थित सिंहासन हवेली में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। मंडल अध्यक्ष मोहनलाल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के भाजपा संगठन जिला प्रभारी केडी बाबर मुख्य अतिथि रहे। सांगानेर क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी टर्मिनल मार्केट मोहाना मंडी से डिग्गी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर कई महीनों से बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंडावा क्षेत्र से राजपूत समाज के लोग जयपुर में आयोजित केसरिया महापंचायत में भाग लेने के लिए जयपुर के लिए रवाना हुए। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के विधानसभा अध्यक्ष भंवर सिंह तेतरा और राजपूत युवा महासभा के अध्यक्ष दिलीप सिंह वाहिदपुरा के नेतृत्व में मंडावा विधानसभा क्षेत्र से काफी संख्या में समाज के लोग केसरिया महापंचायत में शामिल हुए। सांगानेर थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव व टीम की कार्रवाई। सांगानेर पुलिस ने 10 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चोरी व नकबजनी के मामले में गिरफ्तार किया है। पिलानी में सब्जी विक्रेता से हुई साइबर ठगी। ठगों ने सब्जी विक्रेता को लगाया 45,000 का चूना। पिलानी के वार्ड नंबर 31 निवासी सुरेश कुमार से ठगी हुई। ठग ने अनजान नंबर से 4,000 रुपए के फ्रूट ऑर्डर किए। ठगों ने पीड़ित के खाते में गलती से 40,000 भेजने का झांसा दिया, स्क्रीनशॉट भेजा। पीड़ित ने बिना बैंक खाता चेक किए 36,000 रुपए ठग को ट्रांसफर कर दिए। जयपुर में आयोजित हो रही अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में भाग लेने के लिए खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से 50 बसों में करीब 3,000 से अधिक लोग पहुंचे हैं। ईश्वर सिंह मेघवाल ने बताया कि महापंचायत में जाने के लिए समाज के लोगों में जोश नजर आया। अलवर के किशनगढ़ बास में श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का 49वां 2 दिवसीय विशाल मेले में आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। समीपवर्ती ग्राम बास कुपाल नगर में श्री श्याम प्रभु खाटू का 49वां 2 दिवसीय विशाल मेले के प्रथम दिन पदयात्रा में ध्वजा लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ जगह जगह भंडारे और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। नवलगढ़ थाना क्षेत्र के खिरोड़ गांव में देशी कट्टे की नोक पर फाइनेंस कर्मी से हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। CI सुनील शर्मा ने बताया कि आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। अलवर के बानसूर के विद्युत वितरण निगम द्वारा बानसूर क्षेत्र में 1 साल का 107 करोड़ की जगह करीब 110 करोड़ का टारगेट पूरा किया गया। सहायक अभियंता CS मीणा ने बताया कि घरेलू और कृषि कनेक्शन पर बकाया बिलों के संपूर्ण भुगतान को लेकर बिजली विभाग के द्वारा सभी टारगेट पूरा करने के पश्चात अधिकारी कर्मचारी के द्वारा होलाबास फीडर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलवर के बानसूर में आयोजित हो रहे अमर बाबा गिरधारी दास महाराज के लखी मेले को लेकर अमर बाबा गिरधारी दास महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा द्वारा अमर बाबा गिरधारी दास महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। HR कुड़ी पहुंचे किशनगढ़ बास। राजस्थान राज्य स्तरीय जवाबदेही समिति जयपुर के अध्यक्ष हैं कुड़ी। SDM कार्यालय में CLG सदस्यों, व्यापारिक अध्यक्ष और अधिकारियों की बैठक। पिलानी डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ पिलानी में प्रदर्शन। डॉक्टर्स के आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने डॉक्टर हड़ताल का विरोध जताया है। प्रदेशाध्यक्ष अनुराग जोया व समुद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। पिलानी के भगत सिंह सर्किल पर प्रदर्शन किया गया।
पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद झुंझुनू जिले में एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में जिले भर की पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू एसपी से मिले निर्देशों के बाद सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में थाना अधिकारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने ऑपरेशन खुशी 6 अभियान में कार्रवाई कर नाबालिग को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय महिला चिकित्सालय शिशु अस्पताल की ओपीडी का समय शनिवार 1 अप्रैल से बदल गया है। ओपीडी का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र गांव खुहरा मलावली में एक महिला ने अपने पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध होने के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस मामले की सूचना लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए वन विभाग के रेंजर हजारी सिंह को दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। श्री महावीर जयंती महोत्सव समिति की ओर से महावीर जयंती पर 3 दिवसीय महोत्सव के तहत 3 अप्रैल को अग्रसेन मार्ग स्थित महावीर भवन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शनिवार को जैन नसियाजी वाटिका में महोत्सव समिति से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। अलवर एनईबी थाना पुलिस ने अग्रसेन चौराहे के समीप कृषि उपज मंडी में व्यापारी की दुकान से ग्वार की बोरी चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 119 बोरी ग्वार की बरामद की है। फतेहपुर शहर रामनवमी के बाद भगवा रैली शाही अंदाज में निकाली गई। तेज बरसात के बीच 5 किलोमीटर भगवा रैली में 10,000 से अधिक राम भक्त पूरे रास्ते डीजे पर भजनों और देशभक्ति के गानों पर नाचते गाते नजर आए। नवसृजित नीमका थाना जिले में गुढ़ा गौरजी तहसील की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल करने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुढ़ा गौरजी में 24 ग्राम पंचायतों की महापंचायत हुई। गुढ़ा गौरजी बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष इस महापंचायत में शामिल हुए। चोमू शहर के खादी बाग रोड पर एक राहगीर महिला की गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ने का मामला सामने आया। वहीं राहगीर महिला अपने घरेलू काम से प्रतिदिन की तरह दूध लेकर वापस लौट रही थी और इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने महिला की गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द करने के मामले को लेकर चौमू शहर में सत्याग्रह मशाल यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेता डॉक्टर हनुमान बराला के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सत्याग्रह रैली निकाली गई। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने सांगानेर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि सांगानेर रेलवे स्टेशन का अमृत भारतीय स्टेशन योजना में विकास होगा। बोहरा ने कहा स्टेशन का हेरिटेज लुक पर करार रखा जाएगा। सांगानेर में हिंदू नववर्ष पर वाहन रैली निकाली गई। रैली लक्ष्मीपुरा में बालाजी मंदिर से भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रवाना हुई, जो सावंता का बास मोहनपुरा भाटावाला होती हुई खेतापुरा में हनुमान जी के मंदिर के पास समापन हुआ। सांभर के समीप स्थित ग्राम कोर सीना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। फुलेरा ब्लड बैंक द्वारा शिविर में 176 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। कठुमर के मसारी में मंशा देवी का 4 दिवसीय मेला उपखंड अधिकारी लाखन सिंह, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा और सरपंच मोहन लाल गुड्डू, पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं चौथे दिन रागनी का आयोजन किया गया। कठुमर विधानसभा में भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के अध्यक्षता में हुई, जिसमें 5 मंडलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला को जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संगठन प्रभारी रोशन लाल सैनी, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, पूर्व जिला मंत्री प्रदीप जैन ने, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना ने संबोधित किया। सांभर के समीप ग्राम खंडेल में दाह संस्कार के समय अचानक मधुमक्खियों के हमले में से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। अचानक मधुमक्खियों के हमले से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोग मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए उधर उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के हमले से घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस से सांभर CHC पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित रामड़ावास गांव में विलेश्वर धाम पर आज मेले का आयोजन किया गया। विलेश्वर धाम रामड़ावास में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर धूप लगाई।
जोधपुर के कुड़ी भक्तास ने हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकरण मेघवाल के सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी। कुड़ी भक्तास ने पंचायत के समाजसेवियों और नेताओं के अलावा स्कूल स्टाफ से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर उनको विदाई दी। जोधपुर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने का काम किया। जोधपुर के चौपासनी रोड पर अलग अलग स्थानों पर नगर निगम की टीम द्वारा आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परमाणु नगरी उपोकरण में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की 8 अप्रैल को होने वाली विशाल आम सभा और भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही 4 अप्रैल को जन आक्रोश सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जोधपुर के कायलाना की पहाड़ियों के बीच बना पश्चिमी राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थानीय निवासियों के अलावा देशी विदेशी सैलानियों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उसी के चलते उद्घाटन के बाद से अगर अब तक की बात करें तो लगातार पर्यटकों की संख्या में यहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसलमेर डिस्कॉम इस बार वसूली अभियान में कारगर साबित हुआ है। डिस्कॉम द्वारा नई तकनीक के माध्यम से युद्ध स्तर पर वसूली अभियान के चलते डिस्कॉम वसूली करने में कामयाब रहा। नहरबंदी शुरू होने के साथ ही साइफन लगाकर पानी चोरी की आशंका बढ़ गई है। आगामी दिनों में नहरी अधिकारी इन जवानों के साथ नहर के आसपास गश्त करेंगे। पानी चोरी करने वालों को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाड़मेर की बालोदरा और जीएसटी टीम ने बजरी ठेकेदार के कार्मिकों के साथ हुई 8 लाख की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फलसुंड के राजमथाई गांव में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर चोर 25 बोरी जीरा चुरा ले गए। इस पर फलसुंड पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। पोखरण लाठी सड़क मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। तेज गति से चल रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोहावट के देवराज नाडा में गत 22 मार्च को दिनदहाड़े 3 स्थानों पर फायरिंग करने के प्रकरण में रिमांड पर चल रहे 5 आरोपियों को कंवरलाल हनुमान राम जुगताराम दिलीप और मुकेश जाट से पूछताछ के बाद उनके निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियारों में से 2 पिस्टल 3 जिंदा कारतूस 1 खाली खोखा और 1 बिना नंबरी कार बरामद की हुई। जोधपुर के खेड़ी सालवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बाड़ा खुर्द जाने वाले रास्ते को रेलवे ने खोल दिया, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। रास्ता खुलने पर खुशी ग्रामीणों ने जाहिर की। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने भीनमाल पुलिस थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ रिकॉर्ड की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के मामले में नाराज कांग्रेसी देश भर में आंदोलन कर रही हैं और इसी कड़ी में अब अप्रैल महीने में कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाएगी। श्री आपेश्वर महादेव पशु मेला सेवाडिया का बैलों की जोड़ी की पूजा के साथ विधिवत हुआ शुभारंभ। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध पशु मेला सेवाडिया आपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण व बैलों की पूजा कर शुभारंभ किया गया। जोधपुर कमिश्नरेट की बनाड़ पुलिस ने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर भाजपा संगठन 4 अप्रैल को कलेक्ट्रेट का घेराव कर स्थानीय विधायक और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान सिंह भाटी ने ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बायतू विधानसभा क्षेत्र के पाटोदी ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत भाटिया, राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव चेतन मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। पाली के देसुरु में सादड़ी नगर में महिला चिकित्सालय परिसर में रक्तदान महादान टीम के सुरेश कुमार गोयल के सानिध्य में सर्व समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वालोदरा सैन समाज द्वारा आगामी 17 अप्रैल को 723वीं सैन जयंती महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। सूजा राम सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। बालोतरा को जिला बनाने के सतत संघर्ष के साकार रूप लेने में मीडिया के सकारात्मक सहयोग पर जनप्रिय पचपदरा विधायक मदन प्रजापत की ओर से बालोतरा के जूरी रिसोर्ट में स्नेह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समदड़ी कस्बे के रेलवे स्टेशन स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर की 36वीं वर्षगांठ पर क्षत्रिय घाची समाज सिंवाची मालानी 48 पट्टी के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई। नागाड़ा धाम पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 65 रक्तवीरों ने रक्तदान किया।
समधड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती श्री साणेश्वर महादेव मंदिर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। सरपंच गोपाल राम पटेल ने बताया कि वार्षिक महोत्सव में आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा। बालोतरा क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी धूमधाम से मनाई गई है। बालोतरा जिले में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। पूर्व पार्षद भाजपा दिलीप चारण ने अपने शरीर पर बाइक चलाकर एक कला का करतब दिखाया। पाली के गोड़ालाश गांव में बने आई माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय धर्मगुरु दीवान माधव सिंह के कर कमलों से होगी। इसके लिए गोड़ालाश गांव से सीरवी समाज पंच सरपंच और दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। फलौदी के स्थानीय अच्छापूर्ण काला भैरव मंदिर ईश्वर बाग परिसर में 81वां स्थापना दिवस के उपलक्ष में गौमाता रक्षार्थ व सर्वे भवंतु सुखी नह की कामना से इच्छापूर्ण भैरव महायज्ञ का आयोजन हुआ। वैदिक शोध संस्थान के तत्वावधान में प्रधानाचार्य सुरेश बोहरा, आचार्य नखतमल व सह आचार्य कुंज बिहारी के तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेन युवा मित्र मंडल जोधपुर संभाग समूह द्वारा सेन युवा मित्रों की स्मृति में 15 अप्रैल विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें जोधपुर संभाग के सभी सेन समाज के लोग रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पाली के खिमाड़ा कस्बे में गुरु शिष्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्षेत्र के सभी शिष्यों ने मिलकर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजसमंद भुवनेश्वर सिंह चौहान का सम्मान कर गुरु शिष्य सम्मेलन मनाया। वेद भवन के प्रांगण से अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के रविवारीय सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना चंपालाल गुचिया पुरोहित वासुदेव पुरोहित ने की और भजन मुंबई से आए रामचंद्र व्यास ने गाए। मतानी पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को उमेदनगर गांव में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। फलसून पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। थानाधिकारी भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के निर्देशानुसार अवैध हथियार रखने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती माताजी व मामाजी मंदिर सड़ला नाडा धाम पर महंत भुवनेश्वरी पुरी महाराज के सानिध्य में 151 कन्याओं का पूजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजन किया गया। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर शहरवासियों की ओर से उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान शहरवासियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। और चलिए अब रुख करते हैं बीकानेर संभाग की खबरों का। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने जिला बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रही शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा, उमेश मुदगल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलराम वर्मा के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। श्रीगंगानगर के जैसर में श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल द्वारा एक शाम सालासर बालाजी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 101 चौकी, सुंदरकांड महापाठ, भजन संध्या, सवामणि का भोग, आकर्षक झांकियां सजाई गई। सरदार शहर में विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन सरदार शहर में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और इसी के तहत भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय सराफ भवन का शुभारंभ किया गया। रायसिंह नगर में पिछले 13 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद फल सब्जी मंडी के 52 भूखंडों का आवंटन मंडी के माध्यम से किया गया है। कृषि विपणन बोर्ड के संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी ने बताया कि फल सब्जी मंडी में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित भूखंड आवंटित किए गए। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वकील कॉलोनी में 20 लाख की लागत से निर्मित झूले, लाइट व चार दीवारी पर ग्रिल, बेंच, मिट्टी भर्ती, फुटपाथ सहित पार्क एवं ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। सूरतगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडलों के बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में प्रमोद डेलू ने 1 से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाली विभिन्न अभियानों के तहत बूथों पर लाभार्थियों की सूची तैयार करने और वॉलंटियर्स और शक्ति केंद्र विस्तारक बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी। गतसिंहपुर के पास निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट रोड अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बारिश के बाद गतसिंहपुर के पास करीब 4 किलोमीटर तक के रास्ते में कीचड़ नजर आ रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई।
श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर को कचरा मुक्त करने को लेकर जयपुर की एनके बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कवायद शुरू कर दी गई। गतसिंहपुर डंपयार्ड द्वारा कंपनी ड्रोन से पड़े कचरे का सर्वे किया गया। केसरी सिंहपुर के गांव धनुर में ऑपरेशन सीमा के तहत जिला कलेक्टर एसपी के साथ प्रशासन के लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नशा पर कटाक्ष नाटक का आयोजन भी किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बीजेपी नेताओं की दिल्ली में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात। श्री विजयनगर के नेताओं ने दिल्ली में सीपी जोशी से मुलाकात। ग्राम सहकारी समिति अध्यक्ष अरविंद ढिल्लों और पार्षद संदीप बेनीवाल ने मुलाकात की। हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी पहुंचे भादरा विधायक। कामरेड बलवान पूनिया ने राइट टू हेल्थ बिल पर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत में विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने बिल का विरोध कर रहे निजी चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए। चुरू में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आरआरसी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सेंटर पर कचरा निस्तारण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। चुरू में राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले डॉक्टर्स ने आरटीएच व डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया के विवादित बयानों की नाराजगी व्यक्त की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि आरटीएच के विरोध में पिछले 14 दिनों से प्रदेश के निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर श्री विजयनगर के पास हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बरसात के मौसम को देखते हुए नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांजक ने आंचल हॉस्पिटल के सामने बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य का निरीक्षण किया। कार्य में कुछ खामियां पाई गई। मौके पर ही कनिष्ठ अभियंता और संबंधित ठेकेदार को बुलाकर कार्य सुधार करने के लिए कहा गया। 2 ML ग्राम पंचायत की श्रीराम कॉलोनी में कॉलोनी वासियों ने सभापति करुणा अशोक चांडक से मिलकर कॉलोनी में फैली गंदगी के बारे में बताया और इससे निजात दिलाने की मांग की। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ में पहली बार 1 और 2 अप्रैल को अखिल भारतीय वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन चित्तौड़गढ़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान में पहली बार होगा जो सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। शंभूपुरा थाना CI आध्यात्मिक गौतम की टीम को बड़ी सफलता मिली। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जल्द बनकर तैयार होगी जिला अस्पताल की बिल्डिंग। जिला अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण पर आएगी 55 करोड़ रुपए की लागत। चित्तौड़गढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के संचालक मंडल के चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले हंगामा हो गया। पूर्व सहकार संघ अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सूची को फर्जी बताया। डूंगरपुर धम्बोला पुलिस ने कलयुगी पिता नरेश डेंडोर को गिरफ्तार कर लिया है। CI हजारीलाल मीणा ने यह बताया कि आरोपी पिता नरेश ने अपनी 1.5 साल की बेटी कृष्णा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को नदी में फेंक दिया था। 31 मार्च को पूरी दुनिया में जीरो ग्रेविटी डे के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर बीती शाम राजसमंद जिला मुख्यालय के जल चक्की चौराहे पर नगर परिषद की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के उपली ओडन में रामनवमी के उपलक्ष्य में बीती रात को गायत्री नवयुवक मंडल की तरफ से गैर महोत्सव का आयोजन किया गया। युवाओं ने मध्य रात्रि तक ढोल और थाली मादल की थाप पर गैर नृत्य किया। राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया जो वारदात की फिराक में घूम रहा था। टिडवाना में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित 51 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के प्रथम दिन दोजराज गणेश मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डिडवाना को उपकाशी कहा जाता है। उदयपुर के डबोक थाने से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित मेड़ता गांव के लोगों की नींद हराम हो गई। हालात ये हैं कि गांव के लोग दिन में मजदूरी और रात को जाकर रात काट रहे हैं क्योंकि बदमाश बहुत ज्यादा हो गए हैं और ऐसे में भय व्याप्त हो गया है। झाडोल के गोगला स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ आध्या शक्ति माताजी मंदिर में चल रहे चैत्र नवरात्रि महोत्सव का विसर्जन के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक प्रधान भेरूलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 का वार्षिक अनुमानित बजट का अनुमोदन और पूरक वार्षिक कार्य योजना की गई।
चित्तौड़गढ़ के बस्सी में चोरों के बढ़ते आतंक से क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश बढ़ रहा है। चोरों ने सोनगर मार्ग स्थित पंकज मालू की दुकान को निशाना बनाया था। चित्तौड़गढ़ के बेगू में परसोली में आयोजित हुई भाजपा की नमो वॉलंटियर कार्यशाला में जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेगू कस्बे में महिलाओं ने रैली निकाली। नगर पालिका अध्यक्ष रंजना शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारा के किशनगंज पुलिस ने विवाहिता की हत्या के आरोपी चेतन सेन को कोर्ट में पेश किया, जहां से रिमांड अवधि पूर्ण होने पर उसे जेल भेज दिया गया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के पीपलदा और शोभागपुरा गांव से अज्ञात चोरों ने 3 मोटरसाइकिल को चुरा लिया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी। बारा में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत बारा की ग्राम पंचायत बैंगना में जनसुनवाई करते हुए आमजन के विभिन्न परिवादों को सुना और साथ ही साथ उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। कोटा के टाकरवाड़ा में काशी से आए कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। नए जिलों में छबड़ा को शामिल नहीं किए जाने से खफा भाजपा पार्षदों ने छबड़ा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर वहां पर स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। बारा में इस बार शराब दुकानों के आवंटन को लेकर ठेकेदार कम ही रुचि दिखा रहे हैं। 31 मार्च तक जिले में करीब 169 दुकानों में अब तक 116 दुकानें ही आवंटित हो पाए। कोटा के टावा नगर में भारतीय जनता पार्टी टावा शहर मंडल की बैठक आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। कोटा के तलवंडी इलाके में बीती रात मकान में घुसे एक चोर की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। चोर मकान के अंदर घुसा और कमरे में घुसने की कोशिश की। कस्बे के हरनावदा शाहजी रोड पर स्थित लववंशी किराना स्टोर पर 2 अज्ञात बाइक सवार दुकान पर रखी पेटी में रखे 1,56,000 रुपए व 550 ग्राम चांदी की पायजेब सहित गले की पेटी को चुराकर फरार हो गए। ग्रीष्म ऋतु आते ही पेड़ पौधे सब अपना अंदाज बदल देते हैं और धीरे धीरे सभी पत्ते झड़ने लगते हैं, मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो मौसम में भी अपना अंदाज बनाए रखते हैं और ऐसा ही एक पेड़ है पलाश का पेड़। कोटा के टावर क्षेत्र से जयपुर में आयोजित ST SC वर्ग महापंचायत में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। इस दौरान इस यात्रा में सरकारी कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महापंचायत के लिए जयपुर पहुंचे। झालावाड़ के बकानी मंडावर स्टेट 79 पर सड़क किनारे गोबर खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बिना मुंडेर के करीब 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। डांगीपुरा थाना क्षेत्र के अंबा कापुरा गांव में विद्युत डीपी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से चारे के बाड़े व भैंसों की टापरी में आग लग गई। आग लगने से 4 ट्रॉली भूसा जलकर राख हो गया। बूंदी के केशवराय पाटन में पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप महीने भर से जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटी है, जिससे रोज हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। झालावाड़ जिले की गंगधार क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद हेतु कल 11 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जहां कांग्रेस पार्टी समर्थक सूरज कुंवर पत्नी सुरेंद्र सिंह पारा पिपली अध्यक्ष पद हेतु 1 वोट से निर्वाचित हुए। झालावाड़ के बकानी तहसील क्षेत्र के रटलाई थाना क्षेत्र के पाटलिया कुलमी गांव में खेत पर 3 बीघा गेहूं की फसल को काटकर एकत्रित रखी हुई थी, जिसमें विद्युत पोल से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। युवा मामले खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने बम्बूली गांव में कृषि कार्य के दौरान हुए हादसे में मृतका जानकी बाई के घर पहुंचकर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की पुण्यतिथि के अवसर पर कोटा ब्लड बैंक सोसाइटी की ओर से नैनवा के गुर्जर हॉस्टल में आयोजित रक्तदान शिविर में युवा मामले खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की। अकलेरा कस्बे में क्रय विक्रय समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें गिरिराज मीणा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुजल जैन को निर्वाचित किया गया है। कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून की 2 छात्रा पिंकी मीणा एवं गरिमा मीणा को राज्य सरकार की ओर से काली बाई भील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिली।
झालावाड़ के पड़ावा नगर में सकल दिगंबर जैन समाज, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं मुमुक्षु मंडल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैन विद्वान हुकुमचंद भारत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगलेरा कस्बे में बंजारा मोहल्ला निवासी 8 वर्षीय अक्सा मंसूरी ने अपने जीवन का पहला रोजा रखा। इस दौरान पिता जाकिर हुसैन मंसूरी ने बताया कि अक्सा मंसूरी ने सहरी की ओर दिन भर भूखे प्यासे रहकर शाम को इफ्तारी के साथ रोजा खोला। रामगंज मंडी में श्रद्धालुओं द्वारा गोवर्धन नाथ जी की नगर परिक्रमा निकाली गई और परिक्रमा के जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के डोला गांव ग्राम विकास अधिकारी अयूब खान के सेवानिवृत्त होने पर सरपंच गोपाल दांगी की अगुवाई में उनका भव्य विदाई समारोह मनाया गया। झालावाड़ की बकानी कस्बे में बकानी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड बकानी में संचालक मंडल के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अ श्रेणी के मतदान के लिए 11 उम्मीदवार एवं बी श्रेणी के लिए 2 उम्मीदवार एवं एसटी में 2 उम्मीदवार के नामांकन दाखिल किए गए, जिनके मतदान 31 मार्च को संपन्न हुए। कोटा के सुल्तानपुर नगर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कोटड़ा दीप सिंह गांव में विद्युत करंट से हुए हादसे में बड़ौद के 3 युवकों की मौत हो गई। और चलिए अब अजमेर संभाग का रुख करते हैं। नागौर में यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में ठेकेदार लामबंद हुए। ठेकेदारों ने इस दौरान निविदाओं के बहिष्कार का ऐलान किया। ब्यावर नगर परिषद में एक सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी से अनुपस्थित होने के बावजूद नगर परिषद में आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया। परिषद में व्याप्त इस प्रकार की अंधेरगर्दी की जानकारी मिलने से कांग्रेस पार्षद दलपत राज मेवाड़ा और पूर्व सभापति गोविंद पंडित नगर परिषद पहुंचे। नागौर जिले भर की सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाने वाली कुक महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मानदेय बढ़ोतरी के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डेगाना के राजकीय महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। डेगाना शहर के बेनीवाल परिवार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एक अच्छी पहल करते हुए खेताराम बेनीवाल ने अपने पोते सुनील और अनिल की शादी में 1 रुपया नारियल लेकर शादी की पूरी रस्म अदा की। नागौर जिला प्रभारी अशोक सैनी ने बोरावट रोड स्थित बालाजी मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आपको बता दें, बैठक में कार्यकर्ताओं को नमो वॉलेंटियर्स कार्यशाला, फोटो युक्त बूथ, बूथ स्मृति समिति, पन्ना प्रमुख, अल्पकालीन विस्तारक बनाकर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रवास करने का दायित्व दिया गया। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 27 के जैन लाइब्रेरी क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री फंड से सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 250 मीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे स्थायी वारंटी, आपराधिक प्रवृत्ति और अस्पृश्यता धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के निर्देशन में पुलिस टीम ने शहर में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर कार्रवाई की। ब्यावर में पतंजलि योग समिति द्वारा जरूरतमंद क्षय रोगियों को न्यूट्रिशन किट वितरण किया गया। समिति के महामंत्री सुरेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि इस न्यूट्रिशन किट में दाल, दलिया, तेल, भुना हुआ चना, प्रोटीनेक्स सहित 1 महीने का किट जरूरतमंद रोगियों को दिया गया। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान ब्यावर और श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से भारत माता की महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के मानसरोवर में आयोजित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महापंचायत में शामिल होने के लिए ब्यावर से एससी एसटी समाज के सैकड़ों लोग 2 बसों में एवं निजी वाहनों से जयपुर पहुंचे। इस दौरान सभी समाज बंधु शहर के चांग गेट स्थित अम्बेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए और जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। रूपनगढ़ के भदून मार्ग पर नागौर के नव दंपति ने खासा हंगामा खड़ा कर दिया। वाहन के करीब खड़े दंपति से पुलिसकर्मी ने जब वाहन के नंबर और हेलमेट को लेकर पूछताछ की तो इस पर दोनों भड़क गए। ब्यावर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ मौके पर श्री ओसवाल जैन श्री संघ संस्थान की ओर से प्रभात फेरी का भव्य आयोजन। महामंत्री सुशील मेहता ने बताया कि लोकाशा नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर प्रभात फेरी श्री प्राज्ञ भवन पहुंचकर संपन्न हुई। अणुव्रत समिति लाडनू द्वारा अणुव्रत अमृत महोत्सव के तहत अणुव्रत व्याख्यान मेले का आयोजन किया गया। ब्यावर में श्री माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वावधान में श्री माहेश्वरी सेवा संगठन की ओर से एक श्याम श्री श्याम के नाम भजन संध्या का
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से विगत 7 दिन से चल रहा गणगौर मेले का धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। रियावड़ी उपखंड की भैरुंदा पंचायत समिति की साधारण सभा में बैठक उप प्रधान लीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विकास अधिकारी हुक्मा राम माली ने उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को कार्य में प्रगति लाने की बात कही। और चलिए अब रुख करते हैं भरतपुर संभाग की खबरों का। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के पीलवा नदी गांव में 27 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले में पिछले 1.5 साल से चल रहे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वैर के भोंडा गांव स्थित शहीद कुंवर सिंह स्मारक पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला तथा शहीद कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के कीड़ी मोहल्ला निवासी एक 25 वर्षीय युवती के साथ लगातार मारपीट और घरेलू झगड़े का मामला सामने आया। युवती को पहले बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्राथमिक उपचार दिया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के राजराजेश्वरी माता रानी मेले में नगर पालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप खेल मैदान स्थित मेला मंच पर चैत्र नवरात्र दूज के कई प्रकार के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में देर रात को सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक के अस्पताल में दम तोड़ दिए जाने के बाद उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत देर रात धौलपुर स्टेशन पर रुकी। हालांकि इस ट्रेन का धौलपुर जिले में ठहराव नहीं है, लेकिन आमजन के लिए कल रात इस ट्रेन को धौलपुर स्टेशन पर रोका गया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में इन दिनों मरीज काफी परेशान। भरतपुर के इस सबसे बड़े अस्पताल में उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों के लोग उपचार के लिए भरतपुर आ रहे हैं, लेकिन अभी बेहाल स्थिति बनी हुई है। बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पारेश्वर के नेतृत्व में कुम्हेर क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोगों ने नवनिर्मित तहसील रारहट तथा डीग को जिला बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। सरमुथरा कस्बे में सफाई मजदूर यूनियन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से बड़ा गांव के पूर्व सरपंच होरीलाल बाल्मीकि को चुना गया। सरमथुरा में स्वर्णकार महासभा उत्तर प्रदेश युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष वर्मा एवं अंकुर वर्मा महासचिव द्वारा सरमथुरा कस्बा के युवा व्यवसायी विजय सोनी सबलगढ़ बालो को स्वर्णकार महासभा युवा शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिस पर सोनी को स्वर्णकार समाज बंधुओं ने बधाई दी। जयपुर में धौलपुर के सरमुथरा से आए राजपूत समाज के लोगों ने केसरिया पंचायत में शिरकत की। इस दौरान विद्याधर स्टेडियम में पंचायत पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी खुर्द गांव में एक युवक ने जहरीली गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। युवक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 साल से फरार चल रहे 1,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चैत्रीय नवरात्रा मार आज राजेश्वरी के मेले में नगर पालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव मनाया गया, जिसमें बीती रात दशमी पर मेला रंगमंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।